दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। राजस्थान हमारे देश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे अपने इतिहास, किले, बहादुरी और खास खाने पीने के कारण जाना जाता है। राजस्थान को वीर भूमि और बलिदान की भूमि भी कहा जाता है। जो भी पर्यटक एक बार राजस्थान घूम लेता है वो यहाँ की तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकता। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी के साथ राजस्थान कई भूतहा जगहों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में कई स्थान और किले ऐसे हैं जो कई सालों से सुनसान पड़े हैं। इन जगहों पर इस कदर वीराना छाया पड़ा है कि यहाँ अकेले जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। राजस्थान में कई ऐसी भूतहा और डरावनी जगह है जिनका अपना ही एक अलग रहस्य और कहानी है। आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान में सबसे भूतहा जगहों के बारे में बताएंगे। चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभ महल एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आपको भूतों का एहसास जरूर होगा। ये राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से भी एक है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले में राजपूतों के राजा महाराणा कुंभ ने अपना शाही जीवन बिताया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस जगह कई रहस्यमयी कोठियां हैं जहां पर कभी महारानी पद्मिनी ने अपने राज्य की महिलाओं के साथ मिलकर आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला किया तो यहां की महारानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही इस महल में कई ऐसी डरावनी घटनाएं देखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद इस जगह को भूतहा घोषित कर दिया गया। इस किले के पास भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। एक बार कुछ लड़के इस महल में एक रात रुककर ये देखना चाहते थे कि कहीं कोई भूतों के नाम पर उन्हें पागल तो नहीं बना रहा। लेकिन उनमें से जब एक लड़का रास्ता खोज रहा था तो उसने एक आवाज सुनी जो मदद मांग रही थी। जब उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक महिला नजर आई जिसका चेहरा जला हुआ था। अजमेर से उदयपुर जाने वाले इस हाईवे को खून का प्यासा रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ पर भूतहा गतिविधियों का अनुभव किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जब बाल विवाह प्रचलित था तब 5 साल की एक लड़की की शादी 3 साल के एक लड़के से होनी थी, लेकिन लड़की की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर मदद के लिए हाईवे की ओर भागी, लेकिन तेजी से आ रही एक गाड़ी ने उस महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहीं उस महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई लोगों का कहना है कि रात में इस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन का लाल जोड़ा पहनी होती है और कुछ देर में ही गायब हो जाती है। एक बार इस हाईवे पर गाड़ी में सवार 3 दोस्तों का सामना एक महिला से हुआ था जिसने एक बच्चे को गोद में उठाया था। वह महिला पीछे की सीट पर बैठी और उन्हें गांव से बाहर जाने का निर्देश दिया और अचानक ही गायब हो गई। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे पर मौजूद है। ये पीले रंग का किला गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आप इस किले की खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस किले का नाम भी राजस्थान की भूतहा जगहों में आता है। इस किले को राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये किला भूतहा कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में राजा मान सिंह की आत्मा भटकती है। कहा तो ये भी जाता है
कि इस किले में पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया था। राजस्थान की भूतहा जगहों में अगला नाम आता है कोटा में स्थित ब्रजराज भवन का। ये भवन करीब 190 साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज अफसर का भूत भटकता है। बताया जाता है कि साल 1857 में आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। इसके बाद साल 1980 में इसे धरोहर में बदल दिया गया। मेजर बर्टन इतने ज्यादा डिसिप्लिन थे कि आज भी अगर उनका भूत ड्यूटी के समय गार्ड को सोता हुआ देखता है तो उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। सूत्रों के मुताबिक कोटा की पूर्व रानी ने रिपोर्टर को यह बताया था कि उन्होंने कई बार यहां पर मेजर बर्टन के भूत को भटकते हुए देखा है। राजस्थान के सबसे डरावने गांव कुलधरा पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। ये गांव ऐसी जगह है जो करीब 170 सालों से वीरान पड़ी है। इस गांव में कोई भी इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि यहां के लोगों ने एक पापी दीवान सलीम सिंह से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया था। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान पड़ा है। यहां पर कोई नहीं रहता और रात होने के बाद यहां पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह को एक अभिशाप भूमि भी बताया जाता है। जब उस पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया था तो उन्होंने जाते जाते ये श्राप दिया था कि अब यहाँ ना कोई रह सकेगा और ना ही कोई जन्म लेगा। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी द्वारा इस गांव में डिटेक्टरों और घोस्ट बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से कईयों ने अपना नाम भी बताया है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर महिलाओं की चूड़ियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस भूतहा जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस जगह पर लोगों ने अक्सर एक सफेद साये को रात के अंधेरे में भटकते हुए देखा है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का राजा बहुत ही लालची और स्वार्थी था और इस राजा को अपनी प्रजा की जरा भी फिक्र नहीं थी, जिसके बाद भूखमरी से मरते हुए यहाँ लोगों ने राजा को श्राप दे दिया था। उसके बाद से ये जगह भूतहा मानी जाने लगी। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि उन्होंने यहाँ पर भूतों और चुड़ैलों को सड़कों पर घूमते हुए देखा है। यहाँ कही गई कहानियों के अनुसार यहाँ पर लोगों ने एक सफेद कपड़े पहने हुए भूरे रंग के बाल लटके हुए भूत को देखा है। यहाँ की सड़कों पर रात में टहलना भी काफी भयानक हो जाता है। भानगढ़ का किला पूरे देश भर में अपने भूतहा किस्सों के लिए मशहूर है। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर ये किला सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाली कई शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले में सूरज डूबने के बाद और निकलने के पहले जाने पर रोक लगा रखी है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में यहाँ पर भूतों का साया रहता है। किले में चिल्लाने रोने की आवाजें, चूड़ियों के खनकने की आवाज और कई तरह की परछाइयां देखी गई हैं। इस किले को लेकर एक कहानी है कि एक तांत्रिक यहाँ की रानी रत्नावती से शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने रानी पर ऐसा जादू करने की कोशिश की जिससे रानी उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन रानी को इसका पता चल गया और उसने तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई। उस तांत्रिक ने इस किले को यह शराब दे दिया कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं टिक सकेगा। बताया जाता है कि इस किस्से के कुछ समय बाद ही यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए और तब से ये किला एक भूतहा जगह में तब्दील हो गया। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मदद के लिए रोने वाली महिलाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा चूड़ियों के खनकने जैसी आवाजें भी यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। राजस्थान के इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक रात में भूतों द्वारा बनाई गई थी।
लेकिन आपको बता दें कि ये जगह इतनी विशाल है कि इसे बनाने में कई साल लग जाएंगे। इस जगह पर 3500 से भी अधिक सीढ़ियां हैं, जिनसे नीचे जाने पर बेहद डरावना महसूस होता है। यहां आने वाले कई पर्यटकों ने बहुत कुछ अजीब महसूस किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां एक भूत है जो आपको सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देता। यहां पर आने वाले लोगों को अजीब सा डर लगने लगता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।